नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल पिंकू फन क्लब में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है एक कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने बारे में कोरोना से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हुआ ये कि मैं आज 4 तारीख है, आज मुझे मुंबई से आए हुए 15 दिन पूरे हो गए, जो कि एक क्वारंटाइन पीरियड होता है 14 दिन का। तो दोस्तों, जिस दिन मैं आया मुंबई से, मुंबई एयरपोर्ट पे भी मेरी स्कैनिंग हुई थी, गोरखपुर पे भी स्कैनिंग हुई थी। मैं घर पे आया तो हॉस्पिटल भी गया था एक दिन बाद, तो वहाँ पर भी स्कैनिंग की गई थी। तो हॉस्पिटल में मुझे ये बताया गया कि आप 14 दिन तक किसी के संपर्क में नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग निभाएं पूरी तरह से, 1 मीटर की डिस्टेंस आप 1 मीटर की दूरी पे रहें, 1 मीटर की दूरी से लोगों से बात करें, ये सब मुझे वहाँ पे बताया गया। तो मैं ठीक उसी तरह से करता रहा हूँ, 1 मीटर के डिस्टेंस पे लोगों से बात किया रहा और कोशिश पूरी हो कि जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया। मुझे हॉस्पिटल में मैं गया तो मुझे एक निशान, जैसे आप लोग वोटिंग डालते हैं तो इस उंगली पे निशान पड़ती है, मुझे इस उंगली पे निशान लगाया गया था। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पे कि मैं एक स्टैंप लगाया गया था तो वो तो मिट गया, लेकिन ये निशान है। तो ये 14 दिन के पीरियड के लिए था कि मैं कहीं बाहर ना जाऊँ ऐसा, और हॉस्पिटल वालों ने इसलिए लगाया था कि ताकि वो पहचान कर सके कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, इनको हिदायत दे दी क्वारंटाइन में रहने के लिए, ज़्यादा घूमने के लिए नहीं, घर पर रहने के लिए। वैसे घर पर ही रहना, सबको घर पर ही रहना है, किसी को ज़्यादा घूमना नहीं, किसी को ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर जाना है। इमरजेंसी सेवाएं आप समझ सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड या खाद्य पदार्थ, आपके घर में कुछ खाने का ना हो तो ही आप निकलें, उसका भी एक टाइम है, सुबह में नहीं शाम में, या एक टाइम आपके मार्केट का टाइम होगा, सारी दुकानें 24 आवर या 12 आवर नहीं खुल रही हैं, 3 घंटा 4 घंटे के लिए एक पीरियड होता है उसमें खुलती हैं शाम के टाइम मैक्सिमम, दोपहर में तो बंद ही रहती हैं। तो आप इसका पालन करें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है, हमारे बारे में सोच के कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी है छुआछूत से फैल रही है। पहले जो गंभीर गंभीर बीमारी हुआ करती थी, HIV जो गंभीर बीमारी आज भी है, तो वो जो गलती करता था उसके लिए उसको होता था, या किसी की एक से एक को होता था, दो को होता था, लेकिन ये जो बीमारी है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है आपको, दूरी बना के रखनी है लोगों से, 1 मीटर से 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। अब टच करने से हो रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, टच आपको रोकना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर पे रहना है, बहुत इमरजेंसी है अगर है तो ही आपको घर से बाहर निकलना है। दोस्तों, ये सब अगर आप पालन करते हैं तो हम जरूर जीतेंगे इस महामारी से, ज़रूर जीतेंगे। जैसे हमने पोलियो पे काबू पाया, कुछ नहीं हो रहा है, पोलियो का कोई केस नहीं आ रहा है, करीब 2 साल 1.5 साल हो चुके, कोई केस नहीं आया पोलियो का, उस तरह से हम भी कोरोना से जीतेंगे, जैसे और देश धीरे 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 जीत रहे हैं। एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ये चीज़ हमको अच्छी तरह सोचना है, बाहर निकले तो कम से कम कुछ चीज़ हो, कम से कम छुएं भारी चीज़ें, जैसे पब्लिक प्लेस पे आप गए, बस स्टॉप पे बस तो चल नहीं रही, बस बहुत कम चल रही है, वो भी जरूरी वालों के लिए। आप कोई किसी चीज़ का ग्रिल मत पकड़ लें, हर चीज़ टच मत करें सामान, क्या पता आपसे पहले कोई पॉजिटिव पेशेंट, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट उसको टच करके गया हो, तो उससे आपको हो सकता है। जेब में अपने हाथ रखें, घर पे भी ज़्यादा दीवार को मत टच करें, ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें मत टच करें जिससे आपको पॉजिटिव कोरोना संक्रमण होने का खतरा रहे। ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, और जो जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं 14 दिन बाद इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने क्वारंटाइन का पूरा पालन किया है। ये देखिए, जो मुझे लगा हुआ था ये हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर ने लगाया था कि आप 14 दिन घर के अंदर रहेंगे, 14 दिन आप कहीं पब्लिक प्लेस में घूमने नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने कोई भी पब्लिक प्लेस में मैं घूमने नहीं गया,
ना ही कोई ऐसी वीडियो पब्लिक प्लेस वाली है। जो भी ये एक दो वीडियो बनाया मैंने, एक ही वीडियो बनाया इस 14 दिन के अंदर में, वो भी घर पे रह के। ये देखिए दोस्तों, आज मेरा 14 दिन पूरा हो गया है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर मैं पालन किया तो ही मैं आपको कह सकता हूँ पालन करने के लिए। अगर मैं नहीं पालन कर रहा हूँ क्वारंटाइन का, तो मैं आपको नहीं कह सकता, मुझे कोई हक नहीं आपको कहने का। इसलिए मैंने पालन किया, इसलिए आपको सुझाव दे रहा हूँ, अपनी बात आप पे थोप नहीं रहा हूँ मैं, ये आपको अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूँ कि दोस्तों जरूर पालन करें। ऐसा नहीं है 14 दिन की परीक्षा मैंने पास कर ली अब मैं घूमूंगा, बिल्कुल नहीं। अभी भी मैं घर पे ही रहूंगा, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग करूंगा, अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूंगा। और आपसे भी गुजारिश है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी निवेदन है कि जरूर करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दूरी बनाए रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।